जन कल्याण कॉलोनी का एक वीडियो वायरल होता है पिटाई का, जिसमें एक लड़के की पिटाई की जाती है और कुछ लड़के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हैं। उसकी जांच पड़ताल करने के लिए सिरसा की आवाज़ की टीम निकली है और पूरी जांच पड़ताल की है। आप हमारा विशेष रिपोर्ट देखें। कर साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल के साथ। मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा मेवाड़ा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसा पीड़ित व्यक्ति जिसको कुछ लोगों द्वारा पीटा जाता है और उसकी वीडियो बनाकर वायरल की जाती है और इनको बदनाम किया जाता है। मैं कहता हूँ बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन लोगों को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? वो लोग कौन हैं जो कानून को हाथ में लेकर इस तरह इस युवक की पिटाई करते हैं और घायल इतनी चोट मारते हैं कि ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीर सिरसा की आवाज़ वेब चैनल पर, पूरा शरीर का क्या हाल बना रखा है, जानते हैं कि क्या कारण है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है। सर पूरा वाक्य बताएं, पूरी कहानी बताएं, क्या है? सर मैं 15 तारीख को अपने घर से निकला। सर घर से निकलते मैं था और मेरे साथ में मेरा एक यार दोस्त था आकाश। घर से निकलते थोड़ी दूर पे ही जी, जैसे मैं घर से निकला ना, रास्ते में 15-20 लड़के थे जी। उन्होंने क्या किया जी, मेरे को रास्ते में घेर लिया। 5-6 लड़के आगे थे जी, बाकी साइड में खड़े थे जी। उन्होंने क्या किया जी, मेरे को वहाँ घेर के बहुत मारा जी। पहले तो मार के जी उन्होंने, फिर मेरे को वहाँ से अर घसीटते हुए मुझे अपने घर ले गए। सर उनका घर साथ में पड़ोस है, बंद पड़ा, उसको खोल के उन्होंने मेरे को वहाँ अंदर फिर मारा बहुत सर उन्होंने मेरे को। उसके बाद सर जो मेरे साथ लड़का आकाश था, उसने 100 नंबर पे घंटी करी सर, 100 नंबर पे घंटी करी सर। फिर पुलिस वाले आए सर, पुलिस वालों ने मुझे उसके घर से लेके आए सर। और पुलिस वालों को उन्होंने ये कहा भी हमारे घर चोरी करने की रहते, इसलिए हमने मारा सर उसको। ठीक है सर, उसके बाद पुलिस वाले लेके आए, पुलिस वाले फिर मेरा यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आए मेरे को सर। सर उन्होंने मेरे साथ बहुत मार पीट करी। और मेरे पास थोड़े बहुत कहीं से मेरी दुकान की सेल करी थी सर मैंने, और उसकी पेमेंट आई थी सर मेरे पास 2,08,000 रुपये। 2,25,000 में मेरा सौदा हुआ सर, 2,08,000 रुपये कट पीट के मुझे मिले सर। वो मेरे को सर कहते तू पैसे दे दे, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे सर हम। सर उसके बाद क्या हुआ, चलो मैं कभी पुलिस वाले मेरे को ले आए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आगे आपका मतलब मेरा इलाज चल रहा सर यहाँ पे। 18 तारीख को सर मेरे को फिर छुट्टी मिलती है। 18 तारीख को सर मैं घर जाता हूँ रात को 8 बजे जी। फिर वो लड़के मेरे पास आके उन्होंने फिर मेरे घर में इंटे बरसाई जी, दातर गंडा से हथियार उनके पास ले जी, उन्होंने फिर जी भी इट्टे बरसाई। मेरा सिर पे यहाँ सर चोट लगी सर, ऐसे हाल हो रहा है सर। मैं घर बच्चों का दुब्बर कर रखा है जी ना सर उन्होंने। सर मैं बताऊँ SP साहब से मेरी गुजारिश है सर भी जल्द से मेरी सुनवाई हो जी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर इस चीज़ के मामले में, मैं बहुत परेशान हूँ सर। वो मुझे कहते भी अगर हॉस्पिटल से निकलते फिर मारेंगे इधर को। उन लोगों का आपसे क्या संबंध है, क्या ताल्लुक रहा है, पूरी बात बताने की कोशिश करें। सर उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक तो नहीं है। पहले हम आज से 3-4 साल पहले इकट्ठे काम करते हैं सर। ठीक है, काम करते हमारी आपस में लॉकडाउन के बीच में, चलो सिस्टम नहीं बना, काम सारे धंधे बंद हो गए। हमने क्या किया जी, अपना काम बंद कर दिया जी, अलग अलग हो गए हम जी। हमारा पंचायत में फैसला हो गया कि भी जो तुमने लेना देना था हमारा जी, 10 बंदों के बीच में हमने लेन देन कर लिया। उसमें जी उन जो मेरे निकलते उसने मेरे को कह दिया भी तेरे मैं उस बंदे को दे दूँगा, जो मेरे मैंने देने थे उसके दे दिया जी। उसके बाद जी 10 दिनों बाद फिर उन्होंने जी मेरे पे ऐसा हमला किया जी। ये बात है सर, और कोई बात नहीं सर। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर सिरसा की आवाज़ वेब चैनल पर। मामला चाहे कोई भी हो, मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन लोगों को अधिकार किसने दिया पीटने का, ये मैं पूछना चाहता हूँ। उन लोगों ने सरेआम मारने की कोशिश की है, जो आप सीधी तस्वीर दे सकते हैं कितना घायल कर रखा है। ये काम पुलिस प्रशासन का होता है, उन लोगों ने कानून हाथ में लिए है। मेरी सरकार और प्रशासन से यह मांग है कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसकी पूर्णतः जांच की जाए, इस मामले की अच्छे तरीके से जांच की जाए। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, धन्यवाद।